हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि मानव के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। एक का नाम है वंशक्रम और दूसरा कारक का नाम है वातावरण। तो यहाँ हम वंशक्रम और वातावरण की क्या भूमिका रहती है, क्या रोल रहता है विकास में, यही आज का चैप्टर है। तो वंशक्रम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी और वातावरण जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। यदि मनोवैज्ञानिक भाषा में हम बात करें, साइकोलॉजी की भाषा में देखा जाए तो हेरिडिटी को बोला जाएगा नेचर और इन्वायरमेंट को बोला जाएगा नर्चर, जो कि आपको बिल्कुल अपोजिट नज़र आ रहा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक भाषा में जो है वो यही सही है कि हेरिडिटी को बोला जाता है नेचर और इन्वायरमेंट को नर्चर बोला जाता है, जो कि आपको विशेष ध्यान रखना है। हेरिडिटी की अगर बात करें, वंशक्रम की अगर बात करें, अनुवांशिकता जिसको कहते हैं, तो वह स्थिर रहती है, फिक्स्ड रहती है। हमारे दादाजी से हमारे जो है पिताजी में आई है, पिताजी से जो है कुछ लक्षण जो आपको हम में दिखाई देते हैं, ठीक है, और हमारे से आगे जो हमारी पीढ़ी होगी, हमारे जो बाल बच्चे होंगे उनमें दिखाई देगा। तो ये क्या है, वंशक्रम, जो कि स्थायी है, स्थिर है और फिक्स्ड है, ठीक है। कई बार जो है वो बोल दिया जाता है कि ये तो बिल्कुल अपने पिता पर गया है, ये जो लक्षण जो हम देख रहे हैं ये इसके बिल्कुल पिता के जैसे हैं। किसी की जो है हम आंखें भी देखते हैं तो बिल्कुल कह देते हैं कि इसकी आंखें तो बिल्कुल अपने किस पर गई हैं, आपके पिता पर गई हैं इसके, या फिर इसकी माता पर गई हैं। या बालों का ही रंग अगर हम देख लेते हैं कि इसके बाल का जो रंग है वो बिल्कुल इसके पिता पर गया है या इसके दादाजी पर गया है। तो ये क्या है, ये वंशक्रम है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये स्थिर है, परिवर्तनशील नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें वातावरण की, वातावरण जो कि परिवर्तनशील होता है, यहाँ पर जो है वो एक बालक जो है इस एनवायरनमेंट में रह रहा है तो यहाँ पर इसका विकास जो है वो अलग तरीके से हो रहा है। जब उसके पिताजी का ट्रांसफर कहीं और हो जाता है तो वो दूसरी जगह चला जाता है, यहाँ इसका स्थान परिवर्तित हो गया, वातावरण जो है वह परिवर्तित हो गया। यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो सदा परिवर्तनशील रहता है, वेरिएबल रहता है, और हेरिडिटी जो है वो अनुवांशिकता जो है, वंशक्रम जो है वो स्थायी होता है, स्थिर होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हस्तांतरित होता रहता है, ठीक है। तो विकास को महत्वपूर्ण ये दोनों कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे हम कि केवल वंशक्रम ही विकास को प्रभावित करता है या फिर केवल वातावरण ही प्रभावित करता है, दोनों ही प्रभावित करते हैं। फिर भी कई मनोवैज्ञानिक जो हैं अलग अलग जो हैं वो अपनी धारणाएं जो है बनाकर बताते हैं कि केवल वंशानुक्रम प्रभावित करता है विकास को, केवल वातावरण प्रभावित करता है। तो हम पढ़ने वाले हैं वुडवर्थ की जो परिभाषा जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, ये कहते हैं कि बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का क्या है, गुणनफल है। यानी कि विकास को ये दोनों ही प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगर हम विकास की बात करें तो 50% जो है वो वंशानुक्रम प्रभावित कर रहा है विकास को बालक के, और 50% ही वातावरण का रोल है इसमें, ठीक है। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि वंशानुक्रम का प्रभाव जो है कौन कौन मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं। तो रूसो का कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु बाद में जो है वह जंजीरों से बंध जाता है। और वहीं पर जेम्स ड्राइवर जो है इनका क्या कहना है कि माता पिता की जो भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो होती हैं, जो लक्षण होते हैं, उनका संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। यानी जेम्स ड्राइवर और रूसो जो है वो किसकी बात करते हैं, वंशानुक्रम की बात करते हैं। एक व्यक्ति के विकास में जो है वो जो प्रभाव डालता है वो वंशानुक्रम प्रभाव डालता है, ऐसा इनका कहना है। अब हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम के नियम, तो जिसमें फर्स्ट है समानता का नियम, यानी कि समानता, जैसे माता पिता हैं वैसे ही उनकी संतान है, माता पिता के समान जो है उनकी संतान का होना समानता का नियम में आता है। वंशानुक्रम में हमने ये चीज़ देखी है कि ये फिक्स्ड है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित तो होती है। फिर भी इसके कई सिद्धांत हैं, कई नियम हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है, जैसे माता पिता हैं वैसे उनकी संतान नहीं है, यानी जो लंबे माता पिता हैं उतनी लंबी उनकी संतान का ना होना, ये कहता है प्रत्यागमन का नियम। भिन्नता का नियम कहता है कि माता पिता के बिल्कुल जो है भिन्न होगी उनकी संतान, ठीक है, गोरे माता पिता जो हैं उनकी संतान जो है वो काली होगी। नेक्स्ट देखिए चयनित गुणों का नियम, तो वंशानुक्रम का ये नियम क्या कहता है कि कुछ जो गुण हैं माता पिता के वो बच्चे में आ जाते हैं, कुछ गुण, जैसे कि बुद्धि हो गई, यानी इंटेलिजेंट अगर माता पिता हैं तो उनकी संतान का इंटेलिजेंट होना, या फिर आंखों का रंग जो है बिल्कुल अपने माता पिता के जैसा होना, बालों का रंग समान होना, ठीक है, त्वचा जो है तो उसका भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है समान होना। तो कुछ जो गुण हैं, कुछ लक्षण जो हैं वो बच्चों में आ जाना,
चयनित गुणों का नियम कहलाता है। मातृ व पितृ पक्षों का नियम ये क्या कहता है कि माता की तरफ से भी कुछ परसेंट बच्चे में आते हैं और पिता की तरफ से भी आते हैं, तो वंशानुक्रम में 50% जो है वो मातृ पक्ष से और 50% पितृ पक्ष से जो गुण हैं वो बच्चे के अंदर आते हैं, 25% नाना नानी से और 25% दादा दादी से, ठीक है। और उसके बाद देखिए 12.5% पर नाना पर नानी से और 12.5% ही पर दादा पर दादी से आते हैं, यानी कि हम जो अपने अंदर देखते हैं जहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ा है हमारे विकास पर, तो हमारे अंदर जो भी लक्षण हैं जो गुण हैं वो हमारे माता पिता ही नहीं, नाना नानी ही नहीं, बल्कि पर नाना पर नानी, यहाँ से भी कुछ लक्षण कुछ गुण जो हैं वो हमने अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। वंशानुक्रम पर अध्ययन करने वाले जो हैं वो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जिसमें नाम आता है गाल्टन का। गाल्टन का जो जीव सांख्यिकी सिद्धांत जो कि वंशानुक्रम पर आधारित है, गाल्टन इनको सुजनन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। गाल्टन ने जो है 977 बुद्धिमान व्यक्तियों पर जो है स्टडी की, इन्होंने बताया कि बुद्धि और व्यक्तित्व, ठीक है, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी के गुण जो है वो रक्त द्वारा स्थानांतरित तो होते हैं, यानी यहाँ पर वंशानुक्रम कार्य कर रहा है, वंशानुक्रम जो है उसका प्रभाव पड़ रहा है व्यक्ति की बुद्धि पर, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। किसने कहा है? गाल्टन ने कहा है। गॉडार्ड जो है इन्होंने जो प्रयोग किया, इन्होंने कैली का परिवार जो है इसका अध्ययन किया, एक परिवार है कैली का परिवार, इसकी स्टडी की और बताया कि विकास में जो है वो वातावरण नहीं बल्कि वंशानुक्रम जो है इसी का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने 480 वंशज जो है इस पर प्रयोग किया और बताया कि कैलिकॉक परिवार जो है एक दुष्ट प्रकृति के थे। इसका मतलब क्या है? जब उन्होंने स्टडी की, जब पता लगाया कि ये परिवार जो है वो दुष्ट प्रकृति के हैं, तो इनके बच्चे जो है वह भी दुष्ट प्रकृति के ही होंगे, तो इनके वंशज में जो है वो दुष्ट ही निकले आगे चलकर, केवल 46 लोगों को छोड़कर, ठीक है। 480 वंशज जो है इन पर प्रयोग किया, जब जाके जो है केवल 46 लोगों को छोड़कर सभी जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति के ही निकले। इसका मतलब ये भी यही कहते हैं गॉडार्ड कि वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है विकास पर। लेमार्क, इनके सिद्धांत का नाम है अर्जित गुणों का स्थानांतरण का नियम। याद रखना है वंशानुक्रम को इंपॉर्टेंस दी लेमार्क ने भी। इन्होंने प्रयोग जो किया वो किया जिराफ की गर्दन पर। जिराफ की गर्दन कैसी होती है? बहुत जो है वो लंबी होती है, तो माता पिता द्वारा अर्जित गुण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा कि जो ये जिराफ जो है जो इतना जो है इसकी हाइट है, तो इसके जो बच्चे हैं वह भी इतनी हाइट के ही क्यों हुए, यानी कि माता पिता द्वारा जो अर्जित गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हस्तांतरित जो है वो होते रहे हैं, ठीक है। तो जिराफ की गर्दन पर इन्होंने ये प्रयोग करके निकाला, जितने भी जिराफ को इन्होंने देखा तो उनकी गर्दन लंबी ही इनको मिली। बीज वैन की निरंतरता का नियम या निरंतरता का सिद्धांत, तो इसके समर्थन कौन है, समर्थक कौन है? बीज वैन ही है। इन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर है वो दो कोषों से मिलकर बना होता है, एक तो दैहिक कोष जिससे कि हमारा शरीर का निर्माण होता है, दूसरा उत्पाद कोष, ठीक है, जो कि माता के कोष और पितृ कोष इनसे मिलकर बना होता है, जहां पर माता के 23 जोड़े और पिता के 23 जोड़े ये मिलकर संयुक्त उत्पाद जो है ये बनाते हैं। और आपको पता है ये कि एक्स एक्स जो स्त्री गुणसूत्र है, एक्स वाई गुणसूत्र जो है वो पुरुष गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र जो है वो बिल्कुल समान होते हैं, ये जो 23-23 जोड़े हैं इनमें 22-22 जोड़े जो हैं वो बिल्कुल समान होते हैं स्त्री पुरुष में, जिनको क्या कहा जाता है? एलोसोम कहा जाता है। और जो 23वां जो गुणसूत्र होता है इसी से बच्चे का जो है लिंग निर्धारित होता है कि बेटा होगा या बेटी होगी, जिसे ऑटोसोम्स कहा जाता है। आनुवंशिकता की इकाई, देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आनुवंशिकता की इकाई जो है वो जीन्स होती है, और जीन्स किसे कहते हैं? तो डीएनए की बनी सूक्ष्म संरचना होती है जो कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। मेंडल ने पैतृक गुणों का हस्तांतरण का नियम दिया। इन्होंने जो प्रयोग किया वो मटर और चूहों पर प्रयोग किया, जो कि आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में कि मेंडल का जो पैतृक गुणों का हस्तांतरण का नियम है, तो उन्होंने प्रयोग किस पर किया? मटर पर प्रयोग किया और चूहे पर प्रयोग किया। मटर का प्रयोग इनका काफ़ी फेमस रहा, 70,000 पौधों पर इनके द्वारा रिसर्च किया गया और इनकी बगीचे की मटर नामक जो प्रयोग है वो प्रसिद्ध
हुआ। मेंडल कहते हैं कि बच्चे के जो लिंग का निर्धारण है वह पिता के क्रोमोसोम से होता है। अब हमने बात कर ली कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है विकास पर। कुछ मनोवैज्ञानिक वो ये कहते हैं वंशानुक्रम का नहीं, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे वातावरण में बालक रहता है उसका विकास उसी तरीके से होता है। वुडवर्थ कहते हैं, ये वुडवर्थ जो है वो क्या कहते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का गुणनफल है, जिसमें वातावरण ज्यादा प्रभाव डालता है। वातावरण में भी सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन के आरंभ से प्रारंभ किया है। तो ये किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की है। रॉस का कहना है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। तो इनकी परिभाषा में तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है। वहीं कूले का कहना है कि कोई भी व्यक्ति महान तभी बन सकता है जब उसे समुचित वातावरण मिले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वातावरण ही पूरा जो है काम कर रहा है किसी व्यक्ति के विकास में। ठीक है, तो कोई व्यक्ति महान हुआ है इसका मतलब उसको प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट दिया गया है, प्रॉपर जो है उसको मिली है सारी चीजें, वातावरण उसको ऐसा प्रोवाइड कराया गया है तभी जो है वो महान व्यक्ति बना। ठीक है, तो एक व्यक्ति को महान बनने के लिए उसको उचित वातावरण देना चाहिए। डार्विन का कहना है कि व्यक्ति का विकास में कोई हाथ नहीं होता, व्यक्ति का विकास में कोई हाथ नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्ट वे में इन्होंने क्या कहा है कि वंशानुक्रम जो है इसका कोई रोल नहीं है विकास में, बल्कि प्रकृति जो है इस पर ही सब कुछ निर्भर है। ठीक है, तो डार्विन और कूले ये क्या कह रहे हैं कि वातावरण का ही प्रभाव पड़ता है एक व्यक्ति के विकास में। तो इन्होंने भी जो है, कई जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने प्रयोग किए हैं, जिसमें हैं न्यूमैन, फ्रीमैन, हॉलजिंगर। इन्होंने 1937 ईस्वी में आइडेंटिकल ट्विंस के 10 जोड़ों पर प्रयोग किया और बताया कि व्यक्तित्व संबंधी गुणों के लिए वातावरण उत्तरदायित्व है। तो याद रखना है, न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉलजिंगर, इन्होंने जो प्रयोग किया 1937 में किया, 10 जोड़ों पर इन्होंने किया, वो भी आइडेंटिकल ट्विंस थे। ठीक है, एक जैसे थे। शॉडक जो है इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि जो बुद्धि है इस पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का नहीं। 1920 में बंगाल के जंगलों में अमला और कमला, ये दो लड़कियां थी, इन पर प्रयोग किया गया और पाया गया कि लंबे समय तक जो है जब इनको जंगलों में रखा गया तो इन्होंने भी कैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया जैसा इन्होंने वहां देखा। अब जंगल में होते हैं जानवर, तो जैसे उन्होंने जानवरों को करते देखा वैसे ही इनका व्यवहार भी हो गया। तो अब इसका प्रूफ क्या निकल कर आता है कि विकास में जो है वो वातावरण ही उत्तरदायित्व है, वंशानुक्रम नहीं है। तो ये तो सभी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी अपनी धारणाएं बनाई है। सामान्य तौर पर अगर हम बात करें कि विकास में जो है वो महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, तो दोनों का ही होता है। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल रहता है किसी व्यक्ति के विकास में, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, समझाई हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वंशानुक्रम प्रभावी रहता है विकास में, कुछ कहते हैं वातावरण प्रभावी रहता है, लेकिन एक व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही रोल रहता है। तो इसी तरीके से तैयारी जो है वो आप करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।